नजीर चौहान ने टीवी प्रोग्राम्स में झूठे इल्जामात लगाए, जिंदगी को खतरा है। मामले खुसूसी शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर तरीन ग्रुप के MPA नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा झूठा है, मुकाबला करूंगा। नजीर चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमती MPA गिरफ्तारी देने के लिए दाता दरबार में मौजूद। पुलिस को नजीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए अहकामात का इंतजार। एक मुश्किल टली नहीं, दूसरी तैयार। तहरीक इंसाफ में खवातीन ग्रुप मुतहरिक, वजीर आला से खवातीन अरकान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। PTI की 10 से ज़ायद खवातीन ऐलान वजीर आला के रवैये से नालान। ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती, ना ही वजीर आला से मुलाकात करवाई जाती है। मसाइल के हल के लिए किसके पास जाए? खवातीन अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। May 31 से तमाम निजी और सरकारी कॉलेजेस खुल जाएंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना केसेस में कमी से कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया। तुलबा और असातिज़ा के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। वही उस्ताद बच्चों को पढ़ा सकेगा जो वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा को पढ़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी, एजुकेशन अथॉरिटी ने वाज़े कर दिया। असातिज़ा को 7 जून तक वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत। स्कूल सरबराहान को रिकॉर्ड मरतब करने का हुक्म। लाहौर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद 16,000 है। आज से 18 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा की वैक्सीनेशन शुरू। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। शहर में हफ्तावार लॉकडाउन, मार्केट्स बाजार मुकम्मल बंद। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, गला और सब्जी, फ्रूट मंडियां, वर्कशॉप ओपन। रेस्टोरेंट पर टेक अवे, होम डिलीवरी की सहूलत। ब्रांडरथ रोड, शाहआलम, अनारकली बाजार में ताजिर दुकानों के बाहर मौजूद। ग्राहक आने पर शटर उठाकर माल बेचा जाने लगा। हुकूमती अहकामात रद्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर मास्क ड्राइविंग पर 5,562 चालान कर दिए। SOPs की खिलाफवर्जी पर 51 पब्लिक सर्विस व्हीकल्स बंद। कोरोना की तीसरी लहर में मजमुई तौर पर 3,55,000 गाड़ियों के चालान किए जा चुके। लाहौरिये हो जाएं मोहतात। ट्रैफिक पुलिस का 2 माह में 1,33 करोड़ के चालान का टारगेट। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह नाके लगाकर टारगेट पूरा करने लगी। ट्रैफिक पुलिस रवां साल का 3,50 अरब चालान का हदफ पूरा करे। पुलिस क्राइम कंट्रोल की बजाय आदादोशुमार में हेर फेर करने लगी। क्राइम मीटिंग में IG अजला की अददी कारकर्दगी देखकर हैरान। मनफी नंबर्स वाले अजरा हेर फेर से मुस्बत जोन में आ गए। लाहौर 20 नंबर से क्राइम कंट्रोल करके मुस्बत जोन में शामिल। IG ने इजलास मुआखिर करके दोबारा हकाइक पर मबनी आदादोशुमार जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच मशकूक आदादोशुमार का ऑडिट करके रिपोर्ट IG को देगी। पंजाब पुलिस मिनिस्ट्रियल कैडर का एक और ऑफिसर सख्त रवैये की भेंट चढ़ गया। असिस्टेंट डायरेक्टर तस्लीम खान दिल का दौरा पड़ने से जांबाग। 1.5 माह कबल असिस्टेंट डायरेक्टर तस्लीम खान को फाइल पर मंजूरी ना लेने का बहाना बनाकर मुअत्तल किया गया था। इंक्वायरी के बायस तस्लीम खान तनाव का शिकार थे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ से चपकलिश। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ सारा अहमद चीमा का तबादला। डेप्टी सेक्रेटरी एडमिन प्राइमरी हेल्थ तौकीर बट्टू को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मनपसंद अफसरान की तायुनाती के लिए कोशां। लाहौर में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए। 2 रोज में हस्पतालों में मरीजों की भरमार। शहरी बिलावजह बाहर निकलने से परहेज करें। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। आज शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर को आलूदगी से पाक करने में हुकूमत की गैर संजीदगी। आलमी मालियाती बैंक से लिए गए फंड्स खर्च ना हो सके। आलमी बैंक ने 84 करोड़ का फंड ले लिया।
माहौलियाती स्ट्रेटजी न बनाई। मंसूबे पर अब तक एक पाई भी खर्च न की जा सकी। वजीर आला को भिजवाई गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। दाता दरबार और हजरत मियां मीर दरबार का मास्टर प्लान मंजूर। महकमा औकाफ ने दाता दरबार की बिल्डिंग और हस्पताल का नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया। पनाहगाह और पार्किंग को भी अपग्रेड किया जाएगा, जबकि हजरत मियां मीर दरबार को असल हालत में बहाल किया जाएगा। रानी खेत और इन्फ्लुएंजा वायरस से लाहौर ये खौफजदा। ब्रायलर गोश्त में 15 रुपए कमी, फी किलो 320 का हो गया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मुर्गी के गोश्त में रानी खेत से मिलता जुलता खतरनाक वायरस मौजूद है। गोश्त को पकाने से बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती। शहरियों को बर्गर, शवारमा, कबाब और टिक्कों से परहेज की हिदायत। सिटी 42 की निशानदही पर सहूलत बाजारों में स्टॉल सज गए। स्टॉल पर अशियाए खुरोनोश पहुंचा दी गईं। बाजारों में तहाल चीनी और आटा ना पहुंचाया जा सका। चीनी आटा कब और किस रेट पर आएगा, इंतजामिया लायल। मॉनसून आने को तैयार। वासा ने शहर के 3 अंडरपासेस की नकासी को नाकिस करार दे दिया। मुबीन शहीद अंडरपास, फारूक गंज अंडरपास और लाल शहबाज कलंदर अंडरपास की नकासी अनफिट करार। सिस्टम ठीक ना हुआ तो अंडरपासेस मुल्हिका इलाके पानी में डूब सकते हैं। वासा का चीफ इंजीनियर एलडीए के नाम एक और मरासला। डीजीएलडीए अहमद अजीज तारड़ की शाहकाम चौक आमद। चीफ इंजीनियर एलडीए के फ्लाईओवर मंसूबे पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हारून सैफी, राशिद सत्तार, एनएलसी हुकाम भी मौजूद थे। अहमद अजीज तारड़ बोले कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करना तरजीह है। PP151 के बासियों के लिए बुरी खबर। सिकंदरिया कॉलोनी में नए डिग्री कॉलेज की तामीर नामुकम्मल करार। मेट्रोपॉलिटन की 75 किनाल अराजी पर कच्ची आबादी कायम। ऐसी कोई अराजी नहीं जो कॉलेज की तामीर के लिए ट्रांसफर की जा सके। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हायर एजुकेशन को जवाब। लाहौर के 6 कॉलेजेस में BS ऑनर्स की 10 नई डिग्रियां लॉन्च करने का फैसला। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पब्लिक फाइनेंस, डी फार्मेसी, मेडिकल लैब, फूड साइंसेज, न्यूट्रिशन, टूरिज्म, टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन की डिग्रियां शुरू होंगी। MAO कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइंस, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड, खवातीन कॉलेज वहदत कॉलोनी, क्वीन मैरी कॉलेज और फातिमा जिना कॉलेज चूना मंडी में नई डिग्रियां शुरू की जाएंगी। अब सिंगल स्कूल टीचर भी अपना तबादला करवा सकेंगे। असातिज़ा के तबादलों की पॉलिसी तैयार। 3 साल से ज्यादा एक स्कूल में ड्यूटी करने वाले असातिज़ा पहली तरजीह। तबादले पर नजदीकी स्कूल से असातिज़ा को एडजस्ट किया जाएगा। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, दर्जा 4 के मुलाजिम भी तबादला करा सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन का 4वें रोज भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। मेन रोड को दोनों अतराफ के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, 25% डिस्पैरिटी अलाउंस, मुलाजमीन की तनख्वाहों को मसावी करने का मुतालिबा। यास्मीन राशिद ने बुखला के खिलाफ हतक आमेज बयान देकर काले कोट के तकद्दस को पामाल किया। वजीर सेहत के खिलाफ 2 करोड़ हट जाने के दावे पर समाअत। अदालत ने यास्मीन राशिद को 6 सितंबर को तलब कर दिया। वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गईं। स्पोर्ट्स बोर्ड की ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह करेंगी। दीगर सरगर्मियों में भी शरीक होंगी। और पंजाब हुकूमत का हॉकी की बहाली के लिए बड़ा इकदाम। हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का फैसला। सेंटर में फिटनेस टेस्टिंग लैब, बायो मैकेनिक लैब बनेगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन का बजट रख दिया।